नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सर्किट हाउस के सभागार में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि मत्स्य मंत्रालय को लोग उपेक्षित समझते थे, जिसको उत्तम मंत्रालय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 26,000 करोड़ मछुआ समाज में मछली पालन करने वाले दुर्घटना बीमा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 257 करोड़ रुपया दिया है और 5 करोड़ निषाद राज वोट योजना में दिया है। पहली बार 70 साल में प्रदेश में मछुआ कोष बना है। इसमें मछुआओं के बच्चों को शिक्षा दिलाना, गांव में बारात घर लाइट की व्यवस्था कराना है, उनके बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कराना है, क्योंकि अभी तक पिछले सरकारों ने इनके साथ भेदभाव किया है। लेकिन अब सरकार अनुदान दे रही है, दूसरे प्रदेश में भेजकर ट्रेनिंग करवा रही है, जिसके इनका विकास हो सके, जिसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर मत्स्यजीवी सहकारी समिति लखनऊ के अध्यक्ष वीरू साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, मत्स्य मंत्रालय को अब तक लोग उपेक्षित मंत्रालय समझते थे, इसको हम उत्तम मंत्रालय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार है कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ 20,000 करोड़ रुपया एक बार और 6,000 करोड़ रुपया एक बार, 26,000 करोड़ रुपया। हम 5 सालों के अंदर हम केंद्र सरकार से इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं मत्स्य पालक, उनके विकास के लिए अनुदान के लिए, चाहे मछुआ दुर्घटना बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, उसमें दिया। उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग किया, यहाँ भी अभी पिछले वर्ष 150 करोड़ रुपये के आसपास जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना था, निषाद राज वोट योजना 2 करोड़ था और मुख्यमंत्री कल्याण मुख्यमंत्री संपदा योजना 2 करोड़ था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने 257 करोड़ रुपए के आसपास इस बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया और 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री संपदा योजना में और 5 करोड़ निषाद राज वोट योजना। सबसे बड़ी बात है कि मछुआ कल्याण कोष एक बना है पहली बार 70 साल में, इसके माध्यम से इस मछुआरों को, इनके बच्चों को शिक्षा दिलाना है, इनके गांव में कम्युनिटी झाड़ बारात घर बनाना, उसमें हमें ई लाइब्रेरी बनाना है, उनके बच्चों की स्किल डेवलपमेंट कराना है, इनके इलाज के लिए पैसा आ गया कि हम वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, नहीं उनका आधार कार्ड है, नहीं उनके पास गोल्डन कार्ड है, नहीं उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है बेचारे, क्योंकि इनके साथ सभी सरकारों ने भेदभाव किया है, तो ऐसे में हम उनको सीधे इलाज के लिए व्यवस्था कराए हैं। और ये भी लिखवा दिया कि अगर 3 दिन के अंदर DM उसका पैसा इलाज का पेमेंट नहीं करते हैं तो सीधे हमारे निदेशालय का आएगा, सीधे उसके खाते में हम वो दे देंगे। उनके मकान बनाने के लिए हमारे लोगों का सर्वे में ही नाम छूट गया था, तमाम झोपड़ियों में हमारे लोग हैं, मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा ही था, नदियों ने बाढ़ में भी उजड़ गए, तो उन्हें बसाने के लिए बेहतर मकान बनाने के लिए जो नियमानुसार होगा, इनके बच्चों को ज्ञानवान बनाना, हमें जो अनुदान आया हुआ है कि हम उसको जिले में ट्रेनिंग कराएंगे, प्रदेश में कराएंगे, दूसरे प्रदेशों में भी ले जाएंगे, उन्हें आवासीय भत्ता देकर उन्हें ट्रेंड करा के उनको अनुदान देकर ले जाएंगे। फिर ऋण में इनका क्रेडिट कार्ड है, अगर वो नहीं ऋण दे पा रहा है तो उसके भी माफ़ी के लिए हमारे यहाँ ऐसे है। तो ये सारी योजनाओं के माध्यम से है कि पहली बार है कि थोड़ा लेट में कैबिनेट पास हुआ हमारा, तो 31 मार्च तक हमें 25 करोड़ वो दे देना है और 2 करोड़ निषाद राज वोट योजना, 2 करोड़ मुख्यमंत्री संपदा योजना में। और समीक्षा थी कि प्रधानमंत्री ने जो भेजा था पैसा, तो उसमें ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, तो एक जो है 8 अगस्त 2022 को एक शासन आदेश आया था कि दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन दिया कि उसी के अनुसार इनका चयन होना चाहिए, लेकिन कुछ त्रुटि बस हमारे इन अधिकारियों के द्वारा कि उसका ध्यान नहीं दिया, पता चला कि जो ही आए उसका सबका चयन करा दिया गया, तो मछुआरों में थोड़ा बड़ा आक्रोश हो गया कि नहीं हम लड़ाई हम लड़े, मंत्रालय हम बनाए, पैसा आया दूसरे को ले जा रहे, तो उसको सुधारने के लिए इनको बैठक कराया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं गलती हुई है और उस पर अभी नई DLC जो है संशोधित कि जो अपात्र हैं उन्हें रोक दिया जाएगा और पात्रों को पेमेंट कर दिया जाएगा और नई जो है संशोधित DLC कराएंगे उसके अनुसार ही उन्होंने किया। तो ऐसे में विभाग को समीक्षा करने पर एक फ़ायदा मिलता है कि समय से अगर काम होता है तो जो हम सरकार की मंशा है कि जिसको हम अनुदान देते हैं समय पर उसकी हम व्यवस्था दे सकें, तो इसलिए तो कम कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, इन्हें धन्यवाद भी देना है कि कम संख्या होने के बाद भी इस विभाग को धरातल पर पहुंचा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा का मनोबल बढ़ता है और इनके इनसे काम लेने के लिए बताया गया कि अभी साइकिल आया हुआ है इनके यहाँ, 6,000 रुपये हम अनुदान दे रहे हैं साइकिल पर विथ आइस बॉक्स है, अगर महिला है पुरुष है तो 4,000 है,
तो उनको मैंने बता दिया कि जल्दी से साइकिल इकट्ठा समूह में दो, जिससे उनका मनोबल बढ़ के हम ही बार अकेले नहीं साइकिल चला रहे हैं, हम 100 लोग 200 लोग पहले 5, 26, 25, 12 लोग लाभार्थी हुआ करते थे। अभी मैंने बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गोरखपुर में 800 लाभार्थियों को हम चयन किए हैं और अभी हमारे यहाँ कुशीनगर में 700 है, देवरिया में से जो है वहाँ भी लगभग 700 के आसपास है, हमारे महाराजगंज में भी लगभग इतने। तो ये खुशी है कि जब तक हम नहीं थे तो 12, 13, 15, 50 लोग इससे लाभ लेने के आते थे, अब 8-8, 100 लोग लाभ लेंगे कई दिल्ली में, तो एक मैसेज आएगा। अभी इसमें हमारे एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना आई है कि गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, जिसके पास धन नहीं है और कुछ भी नहीं है, खेत भी नहीं है, वो कैसे पैसा अपन करे, उसके लिए मैं हम उसे 5,000 लीटर का एक बैकयार्ड टैंक दे रहे हैं, फाइबर का खरीदने के लिए अनुदान दे रहे हैं 30,000 का, महिला है पुरुष है तो 20,000 है, उसे टैंक हम दे रहे हैं विथ मोटर दे रहे हैं और उस पर उसे हम नई टेक्नोलॉजी से मछली के बच्चे को पालेंगे। तो 5,000 लीटर के टैंक में लगभग छोटा बच्चा होगा वो 10 से 20,000 बच्चे डाल देगा, 5 से 10 पैसे का मिलता है, तो 3 महीने में रेयरिंग यूनिट में उसको कुछ खिला पिला के बढ़ाएगा 100 दिन में। तो हमारा ही विभाग मछली खरीदता है, बच्चा फिंगरलिंग दूसरे बड़े बड़े लोगों से, ये गरीब से भी खरीद लेंगे तो वो 10 पैसे का है, वो 2 से 3 रुपए में बिकता है, उसमें खरीद लेंगे जिस साइज का रहेगा, तो एक तो वो हो जाएगा, दूसरा उनको मछली जिंदा मछली उसमें जिस समय 3 महीने में तो रेयरिंग यूनिट करेगा, कुछ उसमें से बेच लेगा छोटे बच्चे को बढ़ा के, कुछ उसमें से रख लेगा, जो बड़ा बड़ी मछलियाँ होंगे या बड़े तालाबों से मछली जिंदा ला के उसमें जिंदा मछली रख कर ताज़ा मछली बेच सकता है और उससे कुछ आय का साधन। डॉक्टर साहब, जैसे